बर्लिन में नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर खुशखबरी के तौर पर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार जेवलिन में नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया है, फाइनल में यहां पर एंट्री हो चुकी है। अरशद नदीम शेर है तो उस जंगल का जो शेरों का शेर है वो नीरज चोपड़ा निकल आया है। नीरज चोपड़ा ने पहली अटेम्प्ट के अंदर 89.63 मीटर की थ्रो फेंक दी और उसने बाकी सबको परेशान करके रख दिया है। दोस्तों तो एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में, ओलंपिक्स का फाइनल, इंडिया की आन नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान की जान अरशद नदीम, हम पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा 8 अगस्त को, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और जी के ओलंपिक्स का सिलसिला जो है जारी और सारी है, और ओलंपिक्स में जो आज बड़े मुकाबले हो रहे थे, मुकाबला हुआ जी नीरज चोपड़ा थे एक तरफ जो हमारे अरशद नदीम जो है वो वहां पर मौजूद थे। दोनों ने अपने जो रिस्पेक्टेड कंट्रीज है उनका नाम जो है सर फखर से बुलंद कर दिया। जिस तरह से नेजाबाजी दोनों ने जो फेंका, जैवलिन थ्रो जिस तरह मारी है, भारत की नाराज जिनसे एक्सपेक्टेड था कि बाकी वो बहुत अच्छा करेंगे, उनका रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने थ्रो फेंकी इसी तरह। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका जीरो मेडल है? और मेरे से मोहब्बत वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनल अकवामी मीडिया साजिश कर रही है, क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है? ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी जीरो मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है? इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और आप ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी तरफ से, उनको जो है वो खास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या, क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है। हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना, लेकिन मसला ये कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो नीरज। अरशद नदीम पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। 8 अगस्त का अब हमें इंतजार रहेगा, जो कि अरशद नदीम हराएगा नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा 140 करोड़ अवाम की उम्मीद लेकर जो है कि उतरेंगे उस दिन मैदान में, जिस दिन होगा पाकिस्तान वर्सेज भारत का एक और बहुत बड़ा मुकाबला स्पोर्ट्स के मैदान में। वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के मैदान में बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, फिर सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, लेकिन ये मुकाबला हर किसी मुकाबले से अलग होगा, क्योंकि ये उस दिन मैच होना है जिस दिन ना पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच है, ना पाकिस्तान इंडिया का किसी और के साथ क्रिकेट मैच होगा। तो सबकी नजरें होंगी अरशद नदीम और जो है कि नीरज चोपड़ा के ऊपर। एक तरफ बहुत बड़ा सुपरस्टार नीरज चोपड़ा है ओलंपिक्स का, और दूसरे तरफ पाकिस्तान का जो है कि अरशद नदीम, हम पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। वैसे इस ओलंपिक्स में सारे पाकिस्तानी बाहर हो गए, सारे बाहर हो गए, एक आखिरी उम्मीद जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है ओलंपिक्स में से मेडल लेके आने वाला जो दम है, जो जिगरा है, वो सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम के पास है। फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा ने भी क्वालिफाई कर लिया और साथ में जो हमारे अरशद नदीम है उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया। टॉप ऑफ द टेबल जिसका नाम रहा वो नीरज चोपड़ा थे, जिन्होंने इन तमाम तर एथलीट्स में सबसे दूर जो है वो आप कह लें कि जेवलिन थ्रो फेंकी है, और वो इस वक्त सही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इंडिया को गोल्ड जिताने के लिए। देखिए नीरज चोपड़ा ने आज 89.39 की थ्रो मारी जेवलिन थ्रो में और टॉप उन्होंने किया और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने भी आप कह लो कि एक ही बंदा जिससे हमें उम्मीद रहती है 86 point something, उन्होंने भी जो है वो थ्रो मारी है, लेकिन बात यह है कि अरशद नदीम के अलावा हमें और कोई बंदा नजर भी नहीं आता जिससे हम उम्मीद लगाएं कि वो कुछ कारनामा अंजाम देगा। एक वो ही बंदा है जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद वो हमें कोई मेडल जितवा दे, और उसके अलावा तो हमारे एथलीट्स की जो हाल है वो आपके सामने ही आया। कोई क्रिकेट का तो बात हम बात नहीं करें, लेकिन स्पोर्ट्स ओलंपिक में भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। लेकिन अली साहब हमें तो उम्मीद है नीरज चोपड़ा के बाद, यदि नीरज चोपड़ा इंडिया को जितवा देता है, पिछली बार भी गोल्ड जितवा दिया था, हमारे वाले को भी सिल्वर मिला था, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि चलो गोल्ड नहीं तो कोई तो हमें वो मेडल जितवा ही देगा। थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा, 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है। जी हाँ, नीरज का सीजन बेस्ट 89.34 का स्कोर है, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं नीरज, तो 8 अगस्त को नीरज का फाइनल मुकाबला होना है।
कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका जीरो मेडल है? और मेरे से मोहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। बैनल अकामी मीडिया साजिश कर रही है, क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है? ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी जीरो मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है? बैनल अकामी साजिश है? बस बस बहुत हो गया। एक चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात, लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा साहब, जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अकवाम है वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अकवाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मियार थर्ड क्लास। अब नाजरीन, मेरी इस बात की नफी हो गई। उसकी वजह यह है कि दुनिया में, कहना नहीं चाहिए वैसे लेकिन मैं कह देता हूँ, बेकार थर्ड क्लास गरीब तरीन ममालिक ने भी ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कि नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, हर बात पे कहते हैं हम नेमतों से माला माल हैं, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, नौजुबिल्ला ऐसा कोई नहीं है, कोई शख्स कोई जात नहीं है सिवाय मेरे रब के जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, लेकिन दरिया समुंदर पहाड़ हैं दुनिया जहां की सारी चीज़ों का ढंडोरा पीटने के बाद स्कोर क्या आया ओलंपिक्स में? जीरो। ये देखें कि जो नीरज चोपड़ा हैं, जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनकी तरफ से, उनको जो है वो ख़ास तौर पर उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग करवाई जा रही है उनको वहाँ पर उनको यूज़ टू करवाया जा रहा है वेदर से, और हमारे जो एथलीट हैं वो अभी तक यहाँ पर ही हैं, गर्मी में ट्रेनिंग करते रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो पेरिस है उसका मौसम जो डिफरेंट है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में सख्त गर्मी है, वहाँ पर मौसम डिफरेंट है, वहाँ के वेदर कंडीशन से उनको यूज़ टू होने के लिए उनको भेजना चाहिए था और पहले ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा कोई बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी किस्म का, हम लोग किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल पर तो अमल दरामद करते ही नहीं है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने एथलीट को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो पर्ची सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, एक आपको मेरिट पर तमाम एथलीट्स को लाना चाहिए। अब एक अरशद नदीम है जिससे आपको होप है कि गोल्ड मेडल आएगा, बाकी छः से आपको होप नहीं है, कुछ तो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, शूटर्स हैं और फिर आपका अरशद नदीम है, तो ये तो चीज़ें हैं हमारी कि हमारा जो है वो क्वालिफायर सिर्फ दो जो है वो गेम्स हैं, बाकी कोई क्वालिफायर ही नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वो फाइका है एक एथलीट हमारी जो 100 मीटर में जाएगी, जो पाकिस्तान की इस टाइम पर तेज तरीन लड़की है, लेकिन क्वालिफाई तो की है। अब 8 अगस्त को मतलब के परसों है फाइनल, जिसके अंदर फैसला होगा कौन जीतेगा गोल्ड, कौन जीतेगा सिल्वर, कौन जीतेगा ब्रॉन्ज। टेंशन इस चीज की है कि होगा तो होगा क्या, क्या नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत जाएगा जो कि फेवरेट है, लग भी रहा है, क्या पीटर जिसको कहते हैं वो सिल्वर जीत जाएगा, क्या अरशद नदीम ब्रॉन्ज जीत पाएगा। हम तो ख्वाब लेके बैठे हुए कि हम गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम इसके अंदर गोल्ड मेडल जीतेंगे, हम तो इस ख्वाब के साथ आए हुए हैं कि हमने गोल्ड जीतना है, हमने किसी तरीके से जीतना, लेकिन मसला ये कि गोल्ड जीतने के लिए जो सामने सबसे बड़ी दीवार है वो है नीरज चोपड़ा। अब बंदा देखे नीरज चोपड़ा को तो अरशद नदीम का जो साइज है वो नीरज चोपड़ा से अच्छा खासा ज्यादा है, देखने वाला बंदा कहेगा अरशद नदीम ज्यादा लंबी थ्रो फेंक सकता है नीरज चोपड़ा से, लेकिन नीरज चोपड़ा की जो टेक्निक है, नीरज चोपड़ा का जो स्टाइल है, जो उसने वर्किंग अपने आप पे की, मैंने जितने भी गेम्स देखी हैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूं, लास्ट में भी जब ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नीरज चोपड़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्म के दिखाई थी, अरशद ने भी इंप्रेस किया था, अगले साल में उम्मीद थी कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा,
तो अर्शद नदीम की अगर मैं बात करूं तो वो तो है ही अच्छा, लेकिन नीरज चोपड़ा को अगर आप देखो कितना जिसको कहते हैं ना इंप्रेसिव है कि वो सबसे अच्छी थ्रो वो कर जाता होता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं है कि नीरज चोपड़ा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप समझ लो कि आप मुकाबला है जेवलिन थ्रो के अंदर, नीरज जो है ना उसके साथ आपका जो मुकाबला है क्रिकेट का वो विराट कोहली है नीरज चोपड़ा, और आप समझ लो अर्शद नदीम का जो मुकाबला है वो समझ लो बाबर आजम समझ लो आप, ये इनका मुकाबला है। तो ये मुकाबला बहुत खतरनाक किस्म का मुकाबला है, ये जीतने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ना है, अगर नहीं किया। हेलो दोस्तों, और एक बढ़िया न्यूज़ है यहाँ पर, और एक बार इंडिया फिर से फाइनल में आ चुका है, इस बार क्रिकेट में नहीं, इस बार ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में इंडिया नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुँच चुके हैं। और एक गुड न्यूज़ है कि इस बार फाइनल इंडिया पाकिस्तान के साथ ही होने वाला है, पाकिस्तान का भी एक खिलाड़ी है जो फाइनल में पहुँच चुका है और इंडिया का भी एक खिलाड़ी है जो फाइनल में पहुँच चुका है। कल के मैच में जो क्वालिफाई मैच में थे दोनों ने एक ही राउंड में ही क्वालिफाई कर लिया था, और सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने फेंकी थी, और उसके अलावा पाकिस्तान ने भी से क्वालिफाई कर लिया था एक ही शॉट में, तो एक ही थ्रो में उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया था। अब यहाँ पर एक बात घूम फिर के फिर से आ जाती है क्रिकेट में, नहीं कहीं पर भी इंडिया पाकिस्तान घूम के इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ जाता है, और गुड न्यूज़ ये भी है कि द ऑडियंस के लिए इंडिया पाकिस्तान फिर से देखने को मिलेगा, इस बार क्रिकेट में नहीं, इस बार ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें इंडिया फिर से गोल्ड मेडल ले पाएगा या नहीं, और या क्या पाकिस्तान इस बार गोल्ड मेडल ले पाएगा, जरूर कमेंट करके बताएं। मुझे तो लगता है इंडिया नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करिए, और इससे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर।